अब वो समय ख़त्म हो गया है। हमरी पारस के डॉक्टर की टीम रहेगी यहाँ, और वो भी सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। बाबा जी सामने देखिएगा, संगत बाहर से आती है या लोकल हमारे लोग हैं या संगत स्टाफ हैं, नहीं अच्छे डॉक्टर्स होने के कारण बहुत बार देखा गया कि कैजुअल्टी भी हुई है। SSITU में स्वागत है। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू, इस वक्त मैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली। आज एक इतिहास लिखने वाले हैं, और ख़ास करके तखत साहिब में जिस तरह देश विदेश के तमाम सिख संगत जो आते थे मत्था टेकने, दर्शन करने के लिए आते थे, उनकी मुसीबतें कुछ बढ़ जाती थी, जैसे तबीयत खराब हो जाना, अचानक बीमारी से ग्रसित हो जाना, वैसे स्थिति में डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल ले जाने में काफ़ी तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब वो समय ख़त्म हो गया है। हमरी पारस के डॉक्टर की टीम रहेगी यहाँ, और वो भी सुबह 9 बजे से 5 बजे तक तमाम बीमारियों की यहाँ पर जांच होगी, वो भी निःशुल्क होगी। यहाँ का जब आप दृश्य देखिएगा तो ये हेल्थ क्लिनिक हर रोज़ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, और यहाँ पर अभी उद्घाटन हुई है, साथ में यहाँ पर जब टीम आप जब देखिएगा तो यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और एक खास उत्साह है क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज में ऐसी मानना है कि दवा और दुआ एक साथ इसी तखत साहिब से मिलने वाला है, और ख़ास करके सिख संगत के लिए आज यादगार दिन होगा। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर चेकअप कराने के लिए लोग भी आ रहे हैं। सत श्री अकाल, बहुत अच्छा लगा। निःशुल्क जांच करवाने का शुरुआत हो गई है। यहाँ भी देखिएगा, चाहे वो सेवादार हो या सेवादार नहीं, ये तमाम लोग जिस तरह हेल्थ क्लिनिक हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक निःशुल्क है, और वो भी ये देन है हमरी पारस हॉस्पिटल के डॉक्टरों के टीम के साथ में, और तमाम यहाँ पर जो आ रहे हैं वो निःशुल्क के साथ में तमाम तरह की बीमारियाँ, जिस तरह का जो भी किस्म की बीमारियाँ होगी उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। ये डॉक्टरों की टीम आई है, और इस मौके पर तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अधिक जानकारी लेते हैं वहाँ से। चलिए मेरे साथ। बस बाबा जी, बस कैमरा आगे मत करिए भैया, खाली कोई कैमरा आगे पीछे ना करना, खाली बस ऐसे रहिएगा आप लोग। चलिए बाबा जी सामने देखिएगा। अरे कैमरा पीछे कर मुना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री हरिमंदर जी पटना साहिब में जो हमारे दिल में काफ़ी लंबे समय से थी कि एक ऐसी सोच थी कि यहाँ पर जो हमारे काम करने वाले कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, उनके लिए और जो संगत बाहर से आती है उनको देर से जब ज़रूरत पड़ती है मेडिकल चेकअप की, किसी दवा की ज़रूरत पड़ती है तो हमें आसपास के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की कृपा हुई है कि पारस टीम, पारस हॉस्पिटल की जो टीम है जिसके रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर सुहास वसंत आराध्य जी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, कुछ दिन पहले हमारे पास आए थे, और हमारे प्रधान साहब जी जगजोत सिंह चोई जी ने जब इनसे बात की और इन्होंने बताया कि हम यहाँ पर कुछ चेकअप कैंप कुछ दिन के लगाना चाहते हैं, तो हमारे प्रधान साहब ने ये कहा कि आप कुछ दिन के लिए, एक दो दिन के लिए नहीं, आप लगातार कैंप यहाँ डेली का यहाँ रूटीन वाइज शुरू कर दीजिए कि जो लोग जब भी आएँ यहाँ पर OPD की फैसिलिटी मिले, जो भी ज़रूरत हो, सब ENT की फैसिलिटी, सर्जिकल, मेडिकल जो भी है,
औरतों की जो भी जरूरत हो यहाँ पर लोग चेकअप कराते थे। और डॉक्टर सुहास जी ने उसी समय ये स्वीकार किया कि हमारे पारस ग्रुप की टीम जो है वो यहाँ पर रोजाना सुबह 11 बजे से 2 बजे तक या रोज 4-5 घंटे के लिए यहाँ आकर जिनको भी जरूरत पड़ेगी हमारे स्टाफ को जो हमारे जो यहाँ पर श्रद्धालु बनाए हुए हैं और उनके लिए सभी तरह की फैसिलिटी दी जाएगी। और सबसे बात है कि यहाँ दवा और दुआ दोनों एक ही जगह, और यहाँ डॉक्टर साहब दवा भी देंगे और दुआ गुरु गोविंद सिंह जी पास के जब होगी तो लोगों को जल्द से जल्द आराम आएगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बहुत खुशी हो रही है। मैं डॉक्टर सुहास आराध्य, रीजनल डायरेक्टर पारस HMRI हॉस्पिटल पटना। हमको यहाँ पे जो ऑनर मिला है यहाँ आके सेवा करने का, प्रबंधक कमेटी के सब मान्यवरों ने हमको जो आज्ञा दी है, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ आके सेवा करो। तो पारस HMRI हॉस्पिटल के 86 डॉक्टर्स को हमने कम्युनिकेट किया कि ये हमारी पहली पहल है, सब लोगों ने हाँ बोली है। हमारा जो मैनेजिंग डायरेक्टर है डॉक्टर धर्मेंद्र नागर, वो भी बहुत यहाँ के भक्त है। उसके साथ साथ हमारे डॉक्टर हाई जिन्होंने हमको ये पूरी बिल्डिंग दी है HMRI हॉस्पिटल की, उन्होंने भी इमीडिएटली हाँ भरी है। हम सिलसिला जारी रखेंगे, जब तक हम हैं ये सिलसिला जारी रहेगा। सो पारस HMRI हॉस्पिटल की तरफ से आप सब लोग को मैं प्रणाम करता हूँ। हमने प्रबंध 3 केबिन्स दिए, तो एक लेडी और एक जेंट्स, कम से कम 2 लोग रहेंगे उनके साथ साथ पर डे एवरी डे। उसके साथ साथ 2 मेंबर की नर्सिंग टीम रहेगी, 2 मेंबर की पैरामेडिकल टीम रहेगी, तो टोटल 6 लोग दिन के यहाँ कार्यरत रहेंगे। और लगे तो एम्बुलेंस सेवा भी हम उपलब्ध करके देने वाले हैं कि जैसे लगे हमारी एम्बुलेंस सेवा यहाँ से वहाँ पेशेंट लेके जाने के लिए ज़रूरत पड़ी तो हम लेके जा सकते हैं निःशुल्क। पारस हॉस्पिटल, इसकी कोई मतलब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, एक बहुत रिनाउंड हॉस्पिटल है जो पैन इंडिया बेसिस पे काफ़ी जगह पे इनके हॉस्पिटल हैं, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। और जहाँ तक तखत साहब की बात है, तो जब जब हम लोगों ने शताब्दी में रिक्वेस्ट किया, तब जब 350 साल का प्रकाश उत्सव हुआ था, तो उस समय भी पारस हॉस्पिटल ने बहुत बढ़ चढ़ के सेवा अपनी निभाई थी। तो इस बार जब ये हम लोगों ने कमेटी ने डॉक्टर धर्मेंद्र नागर जी को रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साहब ऐसे करके पटना साहिब में, एक्चुअली पटना साहिब को समझना है कि एक पुराना सिटी है, तो यहाँ पर आप लोगों को सबको मालूम है कि कोई बढ़िया हॉस्पिटल, कोई बढ़िया अच्छे डॉक्टर नहीं है। और कई बार ऐसा देखा गया कि जो संगत बाहर से आती है या लोकल हमारे लोग हैं या संगत स्टाफ हैं, नहीं अच्छे डॉक्टर्स होने के कारण बहुत बार देखा गया कि कैजुअल्टी भी हुई है। तो ये एक बहुत हमेशा पिंच करता था कि भी अच्छे डॉक्टर नहीं होने के चलते ये प्रॉब्लम आ रही है। हमारे यहाँ भी देखा गया कि स्टाफ के कुछ मेंबर एक्सपायर हो जाते थे, नहीं अच्छी दवाई मिलने या अच्छा केयर कोई डॉक्टर नहीं मिलने के कारण, तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहती थी। तो मैं समझ में नहीं आ रहा मैं धन्यवाद कैसे करूँ इन पूरी टीम का, पारस की टीम का। मेरे पास मैं बहुत आज भावुक हूँ कि मैं इतनी बड़ी सेवा, ये जो मानवता की सेवा है, मेरे एक टेलीफोन कॉल पर डॉक्टर साहब ने उसको एक्सेप्ट किया। मैं दिल की गहराइयों से मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। गुरु महाराज का जो हमारे गुरुओं ने हमें शिक्षा दी है, उपदेश दिया है, मानवता की सेवा का भी जो उपदेश दिया है, उसके अंतर्गत जो इनकी सोच है, वो मैं इनको भी मतलब तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और आज जो पारस की टीम, जो डॉक्टर्स की टीम जो हमारे साथ मिलकर यहाँ पर जो रहने वाले स्थानीय और जो संगत, क्योंकि हमारे सबसे बड़ी जो हमें दिक्कत आती है जब प्रकाश पर्व के समय जो संगत भी आती है, तो उस समय जो संगतों को काफ़ी परेशानी होती है इस चीज़ की, पर अब जो है हम प्रबंधक कमेटी ओर से यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऐसी कोई परेशानी जो है जो बाहर से संगत आएगी उनको नहीं होगी। टीम आई है, पारस से आए हैं टीम। सर सत श्री अकाल, कैसा लगा सर तखत साहब? एकदम बढ़िया, हम ऑनर्ड है कि हमको आशीर्वाद मिला। तो गुरु जी के घर पे आकर सेवा करने में तो बहुत बेहतर मालूम। एकदम 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 पारस HMRI ग्रुप जो है एकदम शुक्रगुजार है। वैसे मैडम आप बताइए कैसा लगा था सर? बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ी चीज़ हमें मिली है सेवा करने का मौका, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ये थे पारा समरी के डॉक्टरों की टीम आई है और तखत साहब प्रबंधक कमेटी के तमाम सदस्यों के साथ में गरीबों के बीच में, जिस तरह देश विदेश से सिख संगत लोग आते थे दर्शन करने के लिए, उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, अब वो सारी तबीयत सब बीमारियाँ दूर हो जाने वाली है। यहाँ 9 बजे से लेकर 5 बजे तक पारा से हमरी के डॉक्टर्स की टीम आएगी और लगातार तमाम बीमारियों से आपको
विश्वास के साथ, क्योंकि तखत साहब में ऐसे कहा जाता है कि दवा और दुआ एक साथ मिलने वाली है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।